कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था, इसलिए एक दो दिन वीडियो नहीं बनाई हो, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्योंकि इंसान जब थोड़ा टेंशन में होता है ना तो उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो बस इसलिए नहीं बनाई थी। कल और परसों नहीं आई मेरी वीडियो, तो मैंने आज सोचा चलो शेयर कर ही लेती हूँ क्योंकि एक काम है मेरा और मैंने से देखो सबको राहत मिलती है तो सोचा चलो शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं दोपहर का टाइम में खिचड़ी बना रही हूँ, 2 बज रहे हैं और रात आलू की कतली बनाई थी तो आलू की कतली से बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ, मेरे हबीब भी पसंद है। चलिए तो खिचड़ी रख देते हैं, ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें, चलिए ज़ीरा डाल देते हैं इसमें। इसमें डाल दूंगी मैं नमक, सिंपल सी खिचड़ी है बस। वैसे तो मैं सादा नहीं बनाती हूँ, या तो फिर इसके साथ मुझे कोई सब्जी अच्छी लगती है जैसे कि आज आलू की कतली थी, नहीं तो मुझे खिचड़ी वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब्जी होनी चाहिए इसके साथ। तो चलिए चावल रख दिए मैंने, थोड़ी सी अंदर की सफाई कर लेती हूँ, फिर सफाई करने के बाद नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी।
और देखिए कमरा हो चुका है क्लीन, मैंने झाड़ू वाड़ू सब कर दिए है। और ये बेल्ट रखी है, वो खेल रही है मैडम, खेल रहा है वो बिलोटा है, देखो वो खेल रहा है वायर से, बस इसको इस पर मज़ा आता है। तो ये रह गए हैं कपड़े जो ड्रम पे रखे हैं, इसकी तह लगाऊंगी और फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी। चावल डाल दिए, खिचड़ी बन रही है। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं जल्दी से, गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरी, तो जल्दी से कपड़ों की तह लगा लेते हैं। गाइस गर्मी इतनी हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए। ड्रम के भी कपड़े जो मैले थे वो मशीन में डाल दिए हैं, और जो ये तकिए के कवर थे इन्हें चेंज करूँगी, बेडशीट रात बिछाई थी तो तकिए के कवर चेंज कर दिए, झाड़ू कर दिए, बर्तन कर दिए, खाना बन रहा है खिचड़ी। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं नहीं हूँ अभी यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए, अच्छा लगेगा मुझे अगर, क्योंकि आप लोग ही हो जो इंसान को उठा सकते हो और ये गिरा सकते हो। तो प्लीज़ गाइस अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं ले आई हूँ खाना, और ये है आलू कतली की सब्ज़ी और खिचड़ी बनाई थी आज मैंने, और ये रखा है जी उनका चिकन बिल्लू का मेरे, क्योंकि जब हम दस्तरखान बिछाते हैं ना तो वो नीचे बेड पे आके बैठ जाता है कि उसे खाने को दो, तो अच्छा नहीं लगता ना, मुँह उठा उठा कर देखता। तो ये बॉयल चिकन है, नमक डाल के उबाला है इसे मैंने, और ये इसे नीचे दूंगी जब वो आएगा तो खाने के लिए, जैसे उसके मतलब मेरे अभी खाने के लिए बैठते हैं फ़ौरन नीचे बैड पर, यहाँ देखो यहाँ बैठ जाएगा आकर खाना मांगेगा, तो इसलिए मैंने अपने यहीं पर रख लिया, फिर हम इसे नीचे दे देंगे। मुझे लग रही बहुत तेज़ की भूख, तो मैं खाना खा रही हूँ, वो आने वाले हैं नीचे हैं बस, क्योंकि 3 बज चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो बस खिचड़ी और आलू की कतली खा रही हूँ, चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये हो रहा है छत पर शाम का नाश्ता, पता नहीं कैमरे पे इसने क्या लगा दिया था। और ये देखो मेरा पापा का लो, और ये देखो मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट, एक मिनट अभी चेक करते हैं। ओके ओके, और ये कुछ पौधे मंगाए हैं मैंने, उधर डालो बेटे उधर। तो
मैं इस छत से आके खाना वाना बनाया, खाना वाना खा चुकी हूँ, रात के 9 बज रहे हैं और हो सकता है ये वीडियो आज रात को आए या फिर मॉर्निंग में आए। तो गाइस जो अभी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था परसों पाखी व्लॉग को पर, तो देखो मैं मानती हूँ चलो गलती सबसे हो जाती है। मैंने ये बताया था कि किसी ने मुझे उनके सब्सक्राइबर आके मेरे कमेंट बॉक्स में गंदगी कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है आप उन्हें सपोर्ट करते हो, पर किसी के इतने भी सपोर्ट ना करो, क्या मतलब उसकी गलत बात भी तुम्हें गलत ना लगे। फिर तो ये हो गया ना कि हम छोटे यूट्यूबर हैं, आपको छोटे यूट्यूबर्स की गलती नज़र आ रही है, बड़े यूट्यूबर्स की गलती नज़र नहीं आ रही। तो चलिए अच्छी बात है भाई, हम वो बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें बदनाम कर रही हूँ। मैंने तब की ये समझाया उन्हें कि मैं कोई उनकी हेटर्स नहीं हूँ, मैं उन्हें बहुत टाइम से देखती हूँ, जब से उन्होंने ब्लॉग बनाने शुरू करें, जब से उन्होंने प्रिया सॉरी दिव्या ने उन्हें प्रमोट किया था, तब से मैं उन्हें देखती हूँ और देखती आ रही हूँ। मगर जब किसी की कोई बात गलत होती है तो गलत कहना बुरा है। अगर मेरी गलती आपको दिख रही है तो आप बोल रहे हैं ना, बोल रहा हूँ उनकी गलती क्यों नहीं दिखती आपको, ज़रा बता दो मुझे ये बात बता दो, उनकी गलती नहीं दिखती आपको। और रही दूसरी बात, देखो आज भी मैंने आज की वीडियो भी देखी है, उसमें भी वो गलती से चलो मैंने मान लिया कुछ वर्ड हो जाते हैं, अब वो कुछ ना ओवर कर देती हैं। जैसे अब ये बोल रही हैं कि अब मेरे गले में दही फंसता है, दही फंसता है किसी के गले में कितना स्मूथ होता है दही। चलो भाई हमारी गलती इसमें भी, हमें समझाया गया कि आप हंस रही हो, किसी के ऊपर इतना नहीं हंसना चाहिए, गले की फंस सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं मानती हूँ, कहीं मलाई भी फंस जाती, मलाई की तो मानती हूँ उसमें घी होता है, मलाई फंस जाती, किसी को पसंद नहीं होती, कोई खाता नहीं खाता उस पर, चलो मैं इसे भी इग्नोर कर दिया। आज की वीडियो में बोल रही हैं कि मैं पनीर भी घर ही बनाती हूँ, दही भी घर ही बनाती हूँ, नींबू भी घर ही बना लेती हूँ। चलो मैं ये मानती हूँ ये गलती से निकल गया, कोई बात नहीं है। पर एक बात बताओ, जितने हम बड़े यूट्यूबर्स हैं, या मतलब सभी को नहीं कह रही मैं, ये हैं ये बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं कुछ नहीं कह रही इनके बारे में गलत, पर कुछ बात ऐसी क्या इंसान बड़ा हो जाता है या मतलब कमाने लगता है तो हस्बैंड की बेइज्जती सोशल मीडिया पर करने लगता है। अक्सर आपने ये नोट करा होगा, वो पहले तो बोलने ही नहीं देती उन्हें, अब जब सब लोगों ने उन्हें टोका है बार बार कि अब गौरव जी को नहीं बोलने देती, बोलने नहीं देती, तो अब बोलने देती हैं, तो मगर सोशल मीडिया में उनकी बेइज्जती कर देती। अच्छी बात है अपने हबी की बेइज्जती करनी, सबको महसूस होता आपको, आप अपनी वीडियो, अच्छा एक बात बताइए, आप अपनी वीडियो डालने से पहले देखती नहीं है, आपको लगता नहीं मैं अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही हूँ सोशल मीडिया पर? वो तो बेचारे सीधे हैं, अगर कोई तेज पति हो तो आपको तब पता लगे कि मतलब आप बातों बातों में उनकी कितनी इंसल्ट कितनी बेइज्जती करती हो। आज की वीडियो में आपने कैमरा ऑन करते ही ये कहा कि देखो इस आदमी का श्रृंगार शुरू हो जाता है कैमरा ऑन होते ही, और वैसे ही भूत बना सारा दिन उछलता रहता है, तो यार कितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो अपने हबी के लिए आप। और मैं ये सोचती हूँ वो बंदा कितने सीधे हैं जो आपसे कुछ नहीं कहते। आप मेरी वीडियो देखना, आप मेरी वीडियो देखने के बाद उनकी वीडियो देखोगे, सच्ची मुझे इतना वो हो रहा है कि हद है। अपने हबी को मतलब सोशल मीडिया पर आप ये कह रही हो, या तो भूत कहा या पता ना भूत ही लग रहा था मुझे तो। और तो पता है लोगों ने ये कहा कमेंट बॉक्स में, तुम अपने पति को कुत्ता कह रही, कुत्ते की तरह उछल कूद करते रहते हो। मैं तो इस वर्ड को नहीं कह रही, मैं तो भूत ही कह रही हूँ कि भूत की तरह उछलते कूदते रहते हैं घर में, कैमरा होते ही श्रृंगार करने लगते हैं। तो गलत बात है, अपने पति को आप ऐसे बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप, मैं कोई हेटर्स नहीं है, अच्छे व्लॉग बनाती हूँ आप, मैं खुद देखती हूँ, मगर मुझे यह हंसी आती कि बताओ आपने हद कर दी। देखो बहुत सीरियस बात है अपने पति की बेइज्जती करना, या अपने किसी भी बड़े की बेइज्जती, और मतलब सोशल मीडिया पे आप पीछे हंसी मजाक करती हो या उनको बार बार पे मतलब बेइज्जती करती हो, उनकी कोई बात नहीं, पर कैमरे के सामने मत क्या करो, बहुत गंदा लगता है। शायद आप पता है खुद देखना, अच्छा आप एक दफ़ा अगर मेरी वीडियो कोई देखता है उनका सब्सक्राइबर, ये उनके सब्सक्राइबरों के लिए है वीडियो, किसी को मैं बुरा नहीं कह रही ना उन्हें बुरा कह रही, पर एक बात है मैं उनके लिए, उन्हें प्लीज़ ये बात समझाइए, आप ही समझाइए। चलो मेरी बात आप लोगों को बुरी लगती हो, पर आप तो समझा सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पे अपने पति की इतनी बेइज्जती ना क्या करो। भले से आप पीछे कुछ भी कर सकते हो कैमरे के, मगर बार बार आप कैमरे पे कई दफ़ा कई वीडियो में मैंने देखा आप उनकी उनको बोलने से पहले उनकी बेइज्जती कर देते हो, तो अच्छी बात है। भले से देखो जब वो एक मैसेज दे रहे थे कि सुबह उठना चाहिए ये करें, चलो वो गलत काम करते, पर दूसरों को मैसेज तो अच्छा दे रहे थे। प्लीज़ अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो पर आकर गलत कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ उनकी गलत बात को भी उनके कमेंट्स में करिए कि आप ये अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही हैं या आप इस तरह से कर रही हैं, तो प्लीज़ करिए ना फिर उनकी बात को, गलत बात को सुधार। जब आप अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी गलती को सुधारेंगे या नहीं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ उनकी गलती को भी सुधारिए। उनसे बोलिए कि आप जब अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करती है तो सोशल मीडिया पे कितना गंदा लगता है, ऐसे लगता है आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो कि ये आदमी तो खुद 9 बजे सोकर उठता है, दूसरों को उठा रहा है। अरे वो दूसरे के लिए तो अच्छा मैसेज दे रहा है, कम से कम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं आप,
पर नहीं, आप तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो साथ में, वो दूसरे को अच्छा, चलो मैं गलत काम कर रही हूँ पर मैं दूसरे कह रही हूँ कि तुम मत करो, तुम अच्छा करो, तो अच्छी बात है ना। क्या मतलब, मैं अगर 10 बजे उठती हूँ तो मैं सबसे कहूँगी कि भाई सब 10 बजे उठो, वो कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप उनकी बेइज्जती करें। नहीं जी, ये तो खुद 9 बजे उठते हैं, पहले अपने आप को तो देख लो। तो सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड की बेइज्जती करना अच्छा लगता है? मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, मगर मैं उनको कह रही हूँ जो मेरी वीडियो में आके कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लेडी, उन्हें बदनाम कर रही हूँ, तो प्लीज़ उन अच्छी लेडी की वीडियो आप ध्यान से देखना और उन्हें भी बताना कि वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव कर रही हैं, जो कि कैमरे के सामने कितना गंदा लगता है, कितनी, मैं ये सोचती हूँ वो बंदा पता नहीं कैसे सहन करता है, वो शायद वो खुद भी नहीं देखते, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी वीडियो, उन्हें खुद नहीं लगता कि मेरी बेइज्जती हो रही कैमरे के सामने, पता नहीं। हमारे घर का आदमी होता तो पता लग जाती एक मिनट में। पहली बात तो मैं क्या, हमारे घर की कोई लेडीज कैमरा ऑन कैमरा क्या पीछे भी उनसे ऐसे नहीं बोल सकते जैसे वो कैमरे के सामने बोल रही थी अपने हस्बैंड से। मैं बिना कैमरे के भी उनमें घर में अपने हस्बैंड से इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए की है। तो प्लीज़ आप भी समझाइए। आप मुझे पता है उनके सब्सक्राइबर मेरी वीडियो में आके ज़रूर बुरा कहेंगे कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं उन पर वीडियो बनाती रहती हूँ, तो गाइज़ जो मुझे बुरा लगेगा तो वो तो मैं कहूँगी, शायद आप अगर ध्यान से देखें तो आपको भी बहुत गंदी लगेगी ये बात। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम छोटे यूट्यूबर्स की गलती दिख सकती है आपको, तो बड़े यूट्यूबर्स की गलती क्यों इग्नोर करते हो आप? उनकी गलती पे भी टोको ना, जैसे हमारी छोटी छोटी बात पर, हमारी तो सही बात पर भी आप टोक देते हो कि कितनी अच्छी लेडी, उन्हें बदनाम कर रहे हो आप, तो आप उनकी गलती पे भी नहीं टोकोगे, उन्हें गलती पे भी आप तारीफ करोगे, ताली बजाओगे उनकी, तो आप कैसे अच्छी हो, कैसे सब्सक्राइबर हो, कैसे सपोर्टर हो फिर उनके, बताओ? क्या गलत बात नहीं हुई आप उन्हें अच्छा कह रहे हो? ये तो कोई बात नहीं हुई क्या? मतलब छोटी यूट्यूबर्स की सारी गलती बड़ी यूट्यूबर्स की गलती भी गलती नहीं नजर आती? आपकी मर्जी है वैसे, मगर आप प्लीज़ मेरे कहने से एक दफ़े इस बात पे सोचिए जो मैंने कही कि कितना अच्छा लगता है कैमरे के सामने हस्बैंड की बेइज्जती करना। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ, आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ, नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और पहली मरतबा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो, और कमेंट्स में कमेंट्स करके जाइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।